हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ड्रामा का एक एपिसोड 1.5 घंटे का होता है। उसका एक पार्ट में 1 घंटे का बनाकर अपलोड करूँगी, तो उसे पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिन एलिस के पास आई होती है। उसे पिन्यो ने एलिस का ख्याल रखने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि पिन्यो 2 दिनों के लिए बैंकॉक ड्राइंग करने का काम करने के लिए गया होता है। पिन्यो एलिस और उसके बच्चे के लिए बहुत मेहनत करता है। एलिस के पैरों में सूजन होती है, तो लिन उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलती है, लेकिन वो ठीक है बोल के मना कर देती है। लिन को स्कूल जाना होता है, तो एलिस उसे जाने के लिए बोलती है। रास्ते में लिन को पानी दिखता है, जो यो से मिलने के लिए आया होता है। तो लिन उसे बताती है कि यो नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा, वो काम से बाहर गया है। एलिस अकेली है, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, वो आराम कर रही है। तुम उसे परेशान मत करो और वापस मेरे साथ चलो। एलिस कपड़े सुखा रही होती है, लेकिन उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है, तो सही टाइम पर वहाँ पर पानी आकर उसे होल्ड करता है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। चेकअप होने के बाद पानी डॉक्टर से एलिस की तबीयत के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बोलते हैं उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, सूजन और उल्टियाँ हो रही है उसे। इन सब का नतीजा ये हो सकता है कि एलिस की प्री मेच्योर यानी समय से पहले ही डिलीवरी करानी पड़ सकती है। बेबी की हेल्थ पूछता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि प्री मेच्योर बेबी वीक होने के साथ साथ हेल्थ कंडीशंस भी होती है और बच्चे की मां शॉक में भी जा सकती है। पानिन डॉक्टर को एलिस को हॉस्पिटलाइज करने को बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं अभी इतनी सीरियस बात नहीं है, तो उसे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं, घर पर उसकी हेल्थ का 24 घंटे अच्छे से ख्याल और उस पर नज़र रखे, अच्छा पौष्टिक खाना खिलाए जिससे बेबी और मदर दोनों को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिले। पानिन डॉक्टर को अभी आता हूँ बोल के मार्केट जाता है सब्जियाँ खरीदने। एलिस अकेले ही घर जाने लगती है। पानिन उसे रोककर बोलता है वो उसे घर पर छोड़ देगा। एलिस मना कर रही होती है, तो पानिन बोलता है वो उसे नहीं बल्कि उसके अंकल होने के नाते उसके नेफ्यू को घर छोड़ रहा है, और तुम उसकी माँ हो तो तुम भी अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती होगी ना। तो एलिस को उसके साथ जाने के लिए मानना ही पड़ता है। पानिन एलिस के लिए केयरफुली कार का दरवाज़ा खोलता है। एलिस उसे अब उसके घर चले जाने को बोलती है। एलिस घर पर नीचे गिरे कपड़े उठाने जाती है, तो वहाँ पानिन आकर उसकी हेल्प करता है। एलिस बोलती है तुम अब तक घर क्यों नहीं गए, तो पानिन बोलता है वो उसके नेफ्यू का ख्याल रखने आया है। पानिन के दिल में अभी भी एलिस के लिए फीलिंग्स है। पानिन एलिस के लिए खाना बनाता है, एलिस को खाना परोसता है, वो खाना नहीं खा रही होती है, तो वो बोलता है मेरे नेफ्यू के लिए खाना खाओ, तो वो जैसे तैसे मुंह बना के खा लेती है। पानिन पिन्यो के वापस आने तक वहीं रुकने वाला है बोलता है। पानिन पीछे से एलिस को देख स्माइल करता है। ऑफिस में सिरी और पोखाई का एक साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पानिन की सेक्रेटरी देख लेती है। सिरी पोखाई को उस सेक्रेटरी का मुंह बंद कराने को बोलती है, क्योंकि उनके बारे में किसी को पता चल गया तो सिरी के निरफाई को हड़पने के प्लान पर पानी फिर जाएगा। पोखाई उस लड़की को रोकता है और उसे उसका मुंह बंद करने की धमकी देता है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है उसे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। सिरी पोखाई को कोई और तरीका यानी उस सेक्रेटरी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने को लिए बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एलिस को देखते हैं। एलिस के पास एक घड़ी होती है, हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि हुआइन में पानिन ने एलिस को वो घड़ी गिफ्ट की थी, क्योंकि एलिस ने पानिन की जान बचाई थी, वो अपने हाथों से उसे वो घड़ी पहनाता है। हमें उनके कुछ क्यूट सीन्स दिखाते हैं। एलिस के पैर में जब कांटा चुभ जाता है, तो पानिन उसे निकालता है। अब प्रेजेंट में पानिन को सोते हुए ठंड लग रही होती है, तो एलिस उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। अब नेक्स्ट डे हम यो को देखते हैं, जिसने सेकेंड हैंड कार खरीदी होती है ताकि वो एलिस को डिलीवरी के टाइम पर समय से हॉस्पिटल पहुंचा सके। पानिन की कार बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है, उसी रास्ते से लिन गुजर रही होती है, जो यो से बात करके एलिस के पास जाती है। एलिस के लिए पानिन ब्रेकफास्ट रेडी करके रखता है, फिर से वो वही भाषण देना स्टार्ट कर देता है, तो एलिस चुपचाप वो खाना खाने लगती है। पानिन बोलने लगता है कि उसने उस मॉर्निंग उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, तो मैंने उसके रिपेमेंट के तौर पर यह बनाया। पानिन उस वक्त की बात कर रहा होता है जब वो और एलिस एक साथ थे। ये पुरानी बातें एलिस को हर्ट करती है, उसे पानिन का रिवेंज याद दिलाती है। वो गुस्से से निन के ऊपर चिल्लाकर बोलती है कि चुप हो जाओ, उस दिन की याद मत दिला, और ये बोल जाने लगती है। पीछे से उसे रोकते हुए निन बोलता है एलिस क्या तुम में इतनी भी हिम्मत है कि तुम मेरी आंखों में देखकर ये बोल सकती हो कि वो उनके बीच का सब कुछ भूल चुके हैं? सच
तो सच है, एलिस बोलती है, उसने जो घिनौनी हरकत उसके साथ की थी उसने उन सब बैड मेमोरीज को इरेज कर दिया है उसके दिमाग से, लेकिन मेरे दिल में उस इंसान के लिए प्यार है जो मुझसे पूरे दिल से सच्चाई से प्यार करता है, और वह इंसान तुम नहीं। पानिन उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये कह सको कि तुम पिनियो से प्यार करती हो? तो एलिस बोलती है, हाँ पिनियो से प्यार करती है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिन ये सब देख रही होती है। एलिस पानिन को रोते हुए बोल रही होती है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पानिन जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, रात में ब्लैंकेट देने के लिए थैंक यू। पानिन एलिस की इतनी हेटफुल वर्ड सुनकर बहुत हर्ट होता है। एलिस रो रही होती है। लिन उसके पास आती है, एलिस से कहने लगती है, यही वो इंसान है जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत करके तुम्हारी इंसल्ट की? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम अकेले ही क्यों सहती रही? मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ एलिस। और एलिस रोते हुए लिन को गले लगा लेती है। पिनियो की कार ठीक होती है। पानिन की कार पिनियो के पास होकर से गुजरती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। लिन एलिस को समझाती है कि उसे यो को सारा ट्रूथ बता देना चाहिए कि पानिन उसके बच्चे का बाप है। कभी ना कभी ये बात यो के सामने आ ही जाएगी। तो एलिस बोलती है, वो अभी यो को इस बारे में बताने के लिए रेडी नहीं है, तुम भी इस बात को सीक्रेट रखना। तभी वहाँ पिनियो आता है। वो खुशी खुशी एलिस को बताता है कि उसने उसके और उसके बच्चे के लिए कार खरीदी है। उसके कपड़े गंदे होते हैं तो वो बाथ लेने जाता है। बाद में वो रूम में जाकर उसने बचाए हुए पैसे रखता है। उसे वहाँ एक घड़ी दिखती है। उसे याद आता है कि उसने पानिन को भी ऐसी ही घड़ी गिफ्ट की थी। उस घड़ी के बैक साइड पर PN लिखा होता है। जब पिनियो उस घड़ी के बैक साइड को देखता है तो उस पर भी PN लिखा होता है। वो सोच में पड़ता है कि एलिस के पास पानिन की घड़ी क्या कर रही है। पानिन के डैड पिनियो के नाम के 10% शेयर्स अपने नाम करने की सोच रहे होते हैं। पानिन की सेक्रेटरी उसके डैड को पोखाई के बारे में बताने जाने ही वाली होती है तो पोखाई उसे रोक लेता है और उसे धमकी देता है मुंह खोलने के लिए। रात में वो अकेली सड़क पे से चल रही होती है। पोखाई सीरी के कहने पर उसका एक्सीडेंट करने का सोच रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। वो कार धीरे धीरे चला रहा होता है, तभी सेक्रेटरी के सामने से एक कार आकर उसे हिट कर देती है। उसकी डेथ हो जाती है। हमें पता चलता है कि ये सीरी ने ही करवाया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पोखाई में ये सब करने की हिम्मत नहीं है। ये सीरी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। होटल में सीरी पोखाई को निराफाई के बाकी के शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स खरीदने को बोलती है, ताकि जब उसके पास 51% शेयर हो जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर के साथ साथ निराफाई की प्रेसिडेंट बन जाएंगे। पोखाई उसका साथ दे रहा होता है। बोलता है उसे बस हेड CA मिस्टर प्रसाद की कैबिनेट की हासिल करनी है, जिसमें शेयर होल्डर्स की फाइल्स रखी है। पानिन का डैड पानिन को यो को वापस घर लाने को बोलता है। पानिन खुश होता है। उसे लगता है कि उसका डैड पानिन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो बताते हैं कि पिनियो से उसके स्टॉक्स शेयर्स अपने नाम करवाने के लिए उसे साइन करवाने होंगे। अब जब यो निराफाई में नहीं रहना चाहता तो वो भी उसे कुछ नहीं देंगे। पानिन ये सब सुन शॉक होता है। वो बोलते हैं, जब यो के पास कुछ नहीं होगा तो वो मेरे पास आएगा, मुझसे भीख मांगेगा। इन शॉर्ट पानिन के डैड को लगता है कि अगर वो यो के शेयर्स ले लेंगे तो यो वापस घर आ जाएगा। तो पानिन उन्हें ये सब करने से मना करता है। बोलता है जो उसका है उसका ही रहने दे। वो उन्हें बताता है कि पानिन की वाइफ है और उसका जल्द ही बच्चा होने वाला है। निराफाई को उनका वारिस मिलने वाला है। ये सुन वो थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। बोलते हैं वो उस गरीब लो स्टेटस वाली लड़की के बच्चे को कभी भी अपना ग्रैंड चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बोल गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हम पिनियो को देखते हैं जो स्ट्रेस में दिख रहा होता है। वो एलिस के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम और पानिन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे ना? यो के मुंह से ये सुन एलिस शॉक होती है। पिनियो बोलता है उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ और भी है जो वो नहीं जानता। ऐसा कुछ है तो वो एलिस के मुँह से सुनना चाहता है। एलिस अब भी झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है, लेकिन जब भी तुम दोनों को वो देखता है तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो। ऐसा क्यों? तो एलिस झूठ बोलती है कि उसे बस पानिन का उन दोनों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, बस इतना ही है। एलिस बात टालने के लिए सोने जाने का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यो के दिमाग में ये बात घुस गई है। नेक्स्ट डे पोखाई काम सीखने के बहाने हेड CA के कैबिनेट की चावियाँ मांगता है, जिसमें शेयर होल्डर्स की फाइल्स रखी होती है। लेकिन पानिन बोलता है, इतनी जल्दी क्या है? उस कैबिनेट में इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती है, उसे संभालना जिम्मेदारी का काम होता है। जब 5 साल बाद हेड CA मिस्टर प्रसाद रिटायर होंगे, उसके बाद वो उसे चावियाँ दे देगा। और अभी के लिए चावियाँ देने के लिए मना करके बोल वहाँ से चला जाता है।
यो पानिन से बात करने के लिए उनके घर फोन करता है, लेकिन पानिन कंपनी जा चुका होता है। पानिन का डैड यो से बात करने जाता है। यो उनकी आवाज़ सुन फोन कट कर देता है। यो पानिन से एलिस और उसके बीच की सच्चाई जानना चाहता है। वो उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ निन नहीं उसका डैड होता है। डैड बोलते हैं, आखिरकार तुम हार कर पानिन के पास भीख मांगने आ ही गए ना, उसकी गिरी हुई वाइफ के बच्चे के लिए पैसे मांगने आए हो। यो को गुस्सा आता है एलिस के बारे में ऐसे बातें सुन। वो बोलता है उन्हें कोई हक नहीं एलिस के बारे में ये सब बोलने का। डैड बोलते हैं वो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। यो हर्ट होता है और बोलता है हम इतने महीनों से नहीं मिले, लेकिन आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा कि वो कैसा है। आपके दिमाग में बस पैसे और स्टॉक्स ही चलते रहते हैं। आपको वो स्टॉक्स वापस चाहिए ना, तो ठीक है मैं आपको वो नहीं दूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, उसका डैड गुस्सा होकर चिल्लाकर बोलने लगते हैं। तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश बच्चे का वो मरते दम तक चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। तो यो भी गुस्से में बोलता है वो नालायक है ना, तो वो भी उन्हें उसके मरते दम तक अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। यो बहुत हर्ट और गुस्से में होता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड को पता नहीं कि यो की बातें ये सच होने वाली है। एलिस के बाद पानिन आता है जो यो से बात करने आया होता है। वो उसका इंतज़ार करने वहीं रुकना चाहता है। एलिस उसके साथ नहीं रुकना चाहती, तो वो जब बाहर जाने लगते हैं पानिन उसे रोकता है, बोलता है वो प्रेग्नेंट है, कमज़ोर है, वो घर के अंदर जाए, वो वापस चला जाएगा। पानिन के जाते ही एलिस का पेट ज़ोर से दर्द करने लगता है। पानिन उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है, तभी वहाँ लिन आती है। उसे लगता है कि पानिन एलिस को परेशान कर रहा है, तो वो उसे वहाँ से भगा देती है। लिन एलिस को अपना ख्याल रखने को बोल वहाँ से चला जाता है। बाद में एलिस लिन को बताती है कि जब भी निन यहाँ आता है उसके पास होता है तब हर बार बेबी म्यू करता है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से म्यू किया जिससे उसका पेट दर्द करा। तो लिन बोलती है तुम ये कहना चाहती हो कि बेबी को पता है कि पानिन उसका फादर है। एंड बूम, शॉकिंग स्टेट में वहाँ पिनियो आता है जिसने सारी बातें सुन ली होती है। एलिस उसे उसकी बात सुनने को बोलती है, लेकिन योग कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसने लास्ट नाइट एलिस को सच बताने को कहा था, लेकिन एलिस ने नहीं बताया। यो हर्ट होकर बोल रहा होता है तुम मेरे भाई के बच्चे की माँ हो, ये सब तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो। यहाँ पर यो सही है, उसने एलिस से पूरे दिल से प्यार किया। किसी भी रिलेशन में सिंसियरिटी और ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो एलिस ने तोड़ दिया। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। एलिस की तबीयत खराब होने लगती है। टेंशन में और सैड होकर यो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, इतनी ज़्यादा कि उसे चलना नहीं आ रहा होता। बहुत रात हो गई होती है। एलिस यो के लिए परेशान होती है, लेकिन उसे संभालती है। मौसम बहुत ख़राब होता है। यो को वो सारी बातें याद आ रही होती है, वो रो रहा होता है। बीच रास्ते में एक साइकिल वाला अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। पिनियो उसे देखता है, तो उसे बचाने के चक्कर में वो एक जगह दीवार पर जाकर हिट हो जाता है। योग के रूम में पानिन आता है, जहाँ योग की तस्वीर पर रेड कलर गिरता है, जिसे देख पानिन शॉक होता है। यो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एलिस यो के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि कुछ यो के साथ बुरा होने वाला है। वो उसे देखने जाने की जिद करती है, लेकिन उसका पेट दर्द बढ़ जाता है। लिन उसे संभालती है। पानिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है पिनियो के बारे में। पानिन शॉक होता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि यो की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जो सुन पानिन सदमे में चला जाता है। बाद में डॉक्टर पानिन को जल्दी से जाकर यो से मिलने को बोलते हैं। पानिन बोलता है कि वो उसके डैड के आने तक रुकेगा, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें जाकर अभी मिलना होगा क्योंकि शायद निन यो को आखिरी बार देखे। पानिन को अपने भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होती, वो रो रहा होता है। यो उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि एलिस के बच्चे का फादर वो है। अब ये बता पाता है या नहीं ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, उसे ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले पार्ट्स को ज़रूर देखना जो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।